हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम फील हित के मस्कुलर बॉडी और उनके शरीर का आकार, उनके बॉडी बिल्डिंग सक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। फील हित, उन्हें जेनेटिकली गिफ्टेड जिम बीस्ट माना जाता है। उनके नैरो जॉइंट्स, बड़े प्रोपोर्शन में मसल अटैचमेंट्स और आश्चर्यजनक कंडीशनिंग के लिए द गिफ्ट का नाम मिला है। वे 2005 में एक पेशेवर बॉडी बिल्डर बने थे। 2008 में उन्होंने अपनी पहली मिस्टर ओलंपिया के लिए अपना पहला क्वालिफिकेशन प्राप्त किया। 2011 में इसे जीत लिया और इसके बाद उन्होंने 2017 तक मुड़कर नहीं देखा। फील हीथ एक अनलाइकली मिस्टर ओलंपिया है। वो सिएटल में खेल के मैदानों पर बास्केटबॉल खेल रहे थे। सिर्फ 5 फीट 9 इंच और नेचुरली शेप्ड 110 किलो के हीथ को यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में डिवीजन फर्स्ट बास्केटबॉल स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने बिजनेस स्टडीज में डिग्री पूरी की। फिल हिट ने खेल में फैंस के सम्मान को अर्जित किया है। उन्होंने अर्नोल्ड स्विज़नेगर, रोनी कॉलमैन और जी कटलर जैसे महान लेजेंड्स नामों के दायरे में प्रवेश किया। उनके आकार और सिमेट्रिकल शेप शायद कोई परिकल्पना किया हो। जब वो अपने मसल्स फ्लैक्स करते हैं तो वे एक ब्लोफिश की तरह फूल जाते हैं। उनका 29 इंच वेस्ट कई बॉडीबिल्डर्स को परेशानी में डाल देता है। 18.5 इंच की स्ट्रॉन्ग नेक उनके ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में बात करती है। जब वे लचीलापन दिखाते हैं तब और भी फैल जाते हैं, जैसे एक लहराती हुई ब्लोफिश। 23 इंच की उनकी आर्म्स एक वृक्ष की तरह लगती है। उनके ब्रॉड शोल्डर्स, जो कि कभी उनकी कमी समझे जाते थे, वे डेल्टॉय और ट्रेपेजूजियस के स्ट्रॉन्ग मस्कुलैरिटी को दर्शाता है। ओलंपिक कंपटीशन में कई बार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति होने के नाते फील हित का मानना है कि वो खेल के सफलता के लिए ब्लूप्रिंट हैं। जैसा कि कहा जाता है, किसी पुस्तक का आकलन उसके कवर से ना करें, फील हित इन बातों का बेस्ट एग्जाम्पल है। वे कॉन्फिडेंट हैं कि वे सफलता और उसकी स्थिति स्वीकार करने को तैयार हैं। वे एक विनम्र व्यक्ति हैं जो कि मानते हैं कि उनके फैंस उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लोग कभी कभी उन्हें छूते हैं जैसे कि वे एक आदमी ना होकर कोई मशीन है, मगर लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि इस पत्थर जैसे शरीर के अंदर फील एक सॉफ्ट हार्टेड नेचर के व्यक्ति हैं। जब भी वे कंपटीशन स्टेज पे जाते हैं तो एनॉक्सियस और नर्वस फील करते हैं, लेकिन फील अक्सर मिस्टर ओलंपिया में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करते हैं। उनकी मस्कुलैरिटी, नियर परफेक्शन सिमेट्री ने उन्हें अजय बना दिया है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुए हैं। एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है कि एक चैंपियन बनने के लिए आपको पहले चैंपियन को बीट करना होगा। 7वें मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा, जब मैंने अपना करियर 2002 में शुरू किया था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन मिस्टर ओलंपिया जीत पाऊंगा। मैंने कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया है। इस फैसले ने मुझे बहुत कुछ दिया। उसने मुझे इमोशनल और शारीरिक रूप से मजबूत होना सिखाया है। मैंने कड़ी मेहनत के माध्यम से ये सफलता प्राप्त की है और इसका मतलब इतना है कि जीतना आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। दोस्तों, महान फिल हित के अचीवमेंट्स हमें बताते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप क्या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं? क्या आप उसके लिए मेहनत करेंगे? जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।